नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज जिस कलाकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में कर्नाटिक संगीत सीखना शुरू किया और बाद में विधिवत तालीम ली भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी। वो रहती तो अमेरिका में है लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत की उनकी साधना अब भी चल रही है और वो लगातार जुड़ी रहती हैं संगीत के अलग अलग पहलुओं से। तो हम आमंत्रित करते हैं बेहद विनम्रता से जया विद्या सागर को। नमस्ते शिवेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू। तो जया, जैसे मैंने आपके परिचय में कहा कि आपने तो सिर्फ 5 साल की उम्र में कर्नाटक संगीत सीखना शुरू कर दिया था, तो पहला सवाल तो यही कि इतने बचपन में जो ये संगीत का सफर शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं एक तमिलियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दामराम जो बोलते हैं। तो एवरीबडी इन यू नो यूजुअल साउथ इंडियन फैमिली टेंड्स टू लर्न कर्नाटिक म्यूजिक, सम काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, भरतनाट्यम और सम इंस्ट्रूमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो पर जब मैं व्हेन आई वाज लाइक अ वेरी यंग चाइल्ड, अबाउट 2 ईयर्स ओल्ड और समथिंग, तो जैसे पेरेंट्स यू नो सिखाते हैं रामायण के स्टोरीज और माइथोलॉजी एंड ऑल दैट, सो मेरी मदर ने भी मुझे बचपन में ये स्टोरीज बताए थे एंड ऑल दैट। बट अपेरेंटली वेरी यंग, लाइक अबाउट यू नो 2 ईयर्स 2 एंड हाफ ईयर्स, आई वुड से इट बैक लाइक द होल स्टोरी ऑफ रामायण एंड अलॉन्ग विद सम सॉन्ग्स एंड ऑल दैट इन बिटवीन। तो मेरी मदर जो है उनको ये यू नो रियलाइज हुआ कि देर इज सम काइंड ऑफ आर्ट इन दिस किड, सो लेट्स ट्राई एंड सी हाउ वी कैन डेवलप इट। एंड इट ऑल्सो सो हैपेंड दैट माई ग्रैंड पेरेंट्स, बोथ माई ग्रैंड मदर्स, मदर्स मदर एज वेल एज फादर्स मदर, वर वेरी गुड सिंगर्स। तो प्रॉबली यू नो दे शी रियलाइज इट वॉज इन द जीन्स एंड तब से शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर लाइक म्यूजिक टीचर्स, कर्नाटिक म्यूजिक टीचर्स, बिकॉज वी वर साउथ इंडियंस एंड दैट वॉज मोर यू नो दैट वॉज वॉट वी न्यू। एंड शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर टीचर्स वेन आई वॉज अबाउट 4 or 5 years ओल्ड एंड तब से we found a teacher and I started learning. So I think the entire credit of starting early, like recognizing that there was some kind of musical talent and making sure that there was good training and channelizing it well, I think that whole credit goes to my mother. तो जया, बचपन की आपके संगीत सफर की कहानी हमने सुनी, क्यों ना आप इस इंटरव्यू को शुरू करें उससे पहले आपसे एक भजन सुन लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी जो पसंद कह लें या आपकी जो प्राथमिकताएं कह लें उसमें भजन काफी आगे हैं। जी बिल्कुल, भजन और स्पिरिचुअल म्यूजिक इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई रियली एंजॉय सिंगिंग एनीथिंग दैट इज यू नो दैट इज डिवोशनल एंड दैट काइंड ऑफ टेक्स मी इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ गणेश वंदना, भजन ऑन लॉर्ड गणेश। It is set to Rag Bhopali and it's written by Tulsidas ji. Gaiye Ganapati Jagvandan, Gaiye Ganapati Jagvandan, Shankar Suvana मांगते तुलसी
अच्छा जया, मैंने पढ़ा कि आपने 8 साल की उम्र में ही पहली परफॉर्मेंस दी थी, तो क्या कुछ याद है अब तक उस परफॉर्मेंस का? क्या गाया था आपने, वो स्टेज कहाँ था, कैसे आया था वो मौका, इसके बारे में बताइए। I feel extremely fortunate कि जो मेरी लाइफ की सबसे पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी, that happened in a temple and it was during Navratri. So I think it was one of those, you know, events where every day of Navratri there would be some artist signed up to perform and my guru had signed me up for one of those segments and I did an hour long Carnatic classical presentation. I don't really remember much of the entire performance except for just the feeling of being on stage, sitting in front of the mic and singing. That sense of, you know, joy is what I remember. So the memory of that whole thing is just the feeling of happiness that stayed with me. Of course, the riyas that went into it before the performance and the wanting to do well and present something well and all that. But other than that, I don't even remember half of what I sang, and there would be some recording somewhere. But it was a very nice, fulfilling experience. I think that's when I realized how much I loved performing, how much I loved being on stage and presenting something, you know, in front of people. And it's just a very beautiful feeling that it happened in a very beautiful environment, a divine environment in a temple. अच्छा जय, अब वापस आते हैं आपके इंटरव्यू में और बचपन में ही चलते हैं। जब तय हुआ कि आपको सीखना है कर्नाटिक संगीत और उसके बाद जिसकी कहानी भी आपने सुनाई अभी, तो फिर आपके जो गुरुओं का सफर शुरू हुआ होगा, जिस तरह से विधिवत तालीम लेना शुरू हुआ होगा, वो सफर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा? So my first guru was Srimati Saraswati Vaidyanathan. She was the daughter of a very renowned Carnatic vocalist, Sri Vaidyanath Bhagwatar. My mother took a lot of efforts and a lot of pain in trying to find a good teacher for me. And she was the one that I started learning from first. It was a solid foundation that I had, you know, at a very young age. Carnatic classical really kind of drills a lot of basics into you, something that stays with you for life. It's a very structured and disciplined art form, and I think I'm very grateful for that kind of a foundation that I had at such a young age. She was a wonderful teacher. She was very young and a beautiful singer herself, but she was also very strict. So I did have my days of hiding, you know, and not coming out when she would come to class. But those were just a couple of days, me being just a 5-year-old. But other than that, I think it was a great journey. Over the next few years, I did learn from various other gurus. Each of them have contributed in a lot of ways to, you know, shaping me into the musician that I am today. So I'm very grateful to each of the gurus that have been part of my life. But at some level, I think Carnatic classical did not resonate with me as much as Hindustani classical did, which I didn't realize then because, you know, the exposure was only to that art form. But much later in life, I realized why I didn't enjoy it as much as I should have, you know, given that I enjoy music so much. But nevertheless, it was a wonderful journey, wonderful learning experience until my teenage years. स्कूल में भी जब आप संगीत सीख रही थी और खासतौर पर जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में एक विधिवत तरीके से संगीत सीखना, तो क्लास के जो बाकी बच्चे थे उनसे आप किस तरह से अलग थीं, या आप भी वैसी ही थीं, आप भी शरारतें करती थीं? और अगर शरारतें करती थीं तो जरा कोई ऐसी शरारत अपनी याद करके बताइए जब थोड़ी पिटाई हुई हो या जब थोड़ी डांट पड़ी हो। जैसे मैंने कहा कि देयर वर डेज मैं छुप जाती थी अंदर और क्लास के लिए बाहर नहीं आती थी, क्योंकि रियाज नहीं किया है तो डांट पड़ेगी, तो डर लगता था, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी टीचर। सो दोज वर सम ऑफ द यू नो फन डेज आई रिमेम्बर। बट अदर देन दैट आई थिंक यू नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई डोंट थिंक मेरे लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डिडंट लर्न म्यूजिक और आर्ट और यू नो डांस और समथिंग लाइक दैट। Today, if you see, a lot of kids are into different art forms. They learn classical vocal, they learn an instrument, they learn dance. But I think there were barely like one or two of my other classmates or friends who were learning something so seriously.
But that didn't make me any different or feel any special or that kind of a feeling. I was just another kid, you know, in school. Or apart from the fact that when some of my friends would be playing, I would be in music class or practicing or doing those kinds of things. But it didn't feel like a different form of life. It just felt like a way of life, you know. So if you ask me, did I feel special about it or alag kuch laga, to nahin. But other than that, shararat ki maine bachpan mein mujhe actually yaad nahi hai. Shayad my parents say that I was a very good kid. So mujhe aise, I don't even recollect a single time where I've been beaten up or, you know what I mean, scolded severely by my parents. I just think I got lucky. I was an only child, but I don't think they pampered me or anything. But maybe I was just a good little kid, so I got lucky that way. So no stories, unfortunately. ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।